मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मधु टिप्स। कहिए कैसे हैं आप सब लोग। और अभी मुझे उठी है, कुछ 10 से 15 मिनट ही हुए। जस्ट मैं फ्रेश होके आई हूँ और मैंने सोचा सबसे पहले अपना मॉर्निंग ड्रिंक ले लेती हूँ। सुबह के कुछ 7 7:10 बज रहे हैं और मैं दिखा देती हूँ कि मैंने क्या लिया है। मैंने जस्ट अपना नॉर्मल जो 1 ग्लास ऑफ वार्म वाटर और साथ में मैंने वाउ का 1 टेबल स्पून एप्पल साइडर विनेगर ऐड किया है। जो मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको मैं बता देती हूँ कि गाइस, मैंने 5 डेज का वेट लॉस चैलेंज लिया हुआ है, जिसमें से आज मेरा 5 डेज है। अगर आपने 4 डेज की वीडियो और नहीं देखी है तो आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं, ठीक है। और ये आज मेरा लास्ट डे है और कल मैं फाइनल वेट आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। एक्चुअली इसी वीडियो पे मैं शेयर करूंगी लास्ट में मेरा वेट कितना लॉस हुआ है, ठीक है। तो चलिए गाइस, देखती हूँ मैं कि आज का दिन कैसा होने वाला है, हेक्टिक है या फिर नॉर्मल है। एक्चुअली अभी जस्ट मैं सो के उठी हूँ तो सॉरी, थोड़ी सी नींद आ रही है मुझे। और मैं बोली चलो सबसे पहले आप लोगों के साथ में शेयर कर लेती हूँ, गुड मॉर्निंग बोल देती हूँ आप लोगों को। तो गाइस बस मैं अपना सबसे पहले अपना एप्पल साइडर विनेगर ऐड करती हूँ, जिसको एप्पल साइडर विनेगर 2 टेबल स्पून ले सकते हैं तो वेल एंड गुड है। अगर वो नहीं ले सकते हैं तो उसकी जगह पे आप 1 टेबल स्पून आपको एप्पल साइडर विनेगर ऐड करना ही करना है। और फिलहाल अभी के लिए बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट मील पे जो है अपना ब्रेकफास्ट, तब तक के लिए बाय। वेलकम बैक। और अभी 8 बज रहे हैं, जैसे कि आपको पता है कि मैंने 7 बजे मैंने अपना मॉर्निंग ड्रिंक लिया था, एप्पल साइडर विनेगर प्लस वार्म वाटर। और अब मैं आपको दिखा देती हूँ अपना ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में मैंने लिया है एक बड़े साइज का एप्पल और साथ में मैंने 5 आलमंड्स लिए हैं, जिसको मैंने रात में भिगो दिया था और अभी जिसके ऊपर कपिल होते हैं, जो छिलके हैं वो मैंने निकाल दिए हैं। और साथ में मैंने लिया है एक बहुत अच्छी सी ब्लैक कॉफ़ी, जो मेरी फेवरेट है और मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करती है वेट लॉस करने में और मुझे पूरे दिन का काम करने के लिए एनर्जी भी देती है, ठीक है। तो अभी सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आपको पूरा दिन, ये मैं हर वीडियो में आपको इसलिए बोलता कि आप भूल जाए, प्लीज़ आप एक बॉटल अपने पास रखें। आप अगर बाहर जा रहे हैं या फिर आप ऑफिस में कहीं पे भी हैं आप, ठीक है, तो आपको पानी पीना ही पीना है। तो फिलहाल मैं अपना एंजॉय करती हूँ ब्रेकफास्ट और मिलती हूँ आपको मिड मॉर्निंग के टाइम पे मैं क्या खाती हूँ। और हाँ, आज थोड़ा सा मैं डाइट में थोड़ा चेंज लेके आ रही हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा देखना है कि अगर मैं जूस की जगह पे कुछ और ट्राई कर दूँ, उसका इफेक्ट क्या रहेगा। तो हो सकता है कि जो मैं वाइट पम्पकिन का जूस लेती हूँ वो आज शायद मैं स्किप करूँ, और उसकी जगह में मैं क्या लूंगी वो आपको सीधे पता चलेगा वीडियो। तब तक बने रहिए वीडियो के एंड तक। हाय गाइस, वेलकम बैक। और कुछ टाइम 10:30 बज गए हैं और मैं आपको बता देती हूँ कि आज मैंने वाइट पम्पकिन का जूस नहीं लिया है। वाइट पम्पकिन की जगह पे मैंने लिया है नारियल पानी। और जैसा कि मैंने बताया कि आज मेरा लास्ट डे है, मेरा 5th डे है, तो जैसा कि मैं 4 दिन से या फिर वाइट पम्पकिन का जूस ले रही थी और साथ में मैं 1 टाइम पे सॉल्ट ले रही थी, बट हाँ कल मैंने सॉल्ट नहीं लिया था पूरे दिन पे। बट आज मैंने सोचा कि थोड़ा सा डाइट को चेंज करती हूँ और देखती हूँ उसका क्या रिजल्ट मुझे 1 डे में मिलने वाला है। तो ठीक है, आज मुझे अभी फिलहाल मैंने डिसाइड नहीं किया है कि मैं फ्रूट लेने वाली हूँ फुल डे, या फिर मैं सॉल्ट लूंगी या फिर नहीं लूंगी, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है अभी। जो भी होगा लंच टाइम का टाइम पे तो मैं आपको दिखा दूंगी, ठीक है। तो फिलहाल मैं अपना नारियल पानी इंजॉय करती हूँ। ये वेट लॉस करने में बहुत अच्छा है, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, आपके हेयर्स के लिए बहुत अच्छा है, बहुत ही सारे इसके बेनिफिट होते हैं। और लगभग इस टाइम पे, तो इस टाइम के एक्चुअली ये 12 महीने का होता है, ये हर टाइम पे आपको लगभग सभी जगहों पे अवेलेबल होता है। मैं जहाँ पे रहती हूँ वहाँ पे तो ये 12 महीने ही मुझे मिल जाते हैं। तो अगर थोड़ा कॉस्टली होता है ये अगर आप डेली बेस पे ले रहे हैं इसको, बट अगर आप अफोर्ड कर सके तो वेल एंड गुड है, आप इसको पी सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। अगर आप डाइट कर रहे हैं तो भी, डाइट नहीं कर रहे हैं तो। वेलकम बैक। और अभी है लंच का टाइम, कुछ 1:30 का टाइम हो रहा है और मैं दिखा देती हूँ आपको अपना लंच। पूरा हरा भरा कबाब, ये हरा भरा कबाब वो फ्राई किया हुआ नहीं है, केवल बॉयल किया हुआ है। एक्चुअली मैंने सलाद लिया है जिसमें मैंने कैरेट, ब्रोकली और कुम्बर लिया हुआ है। सलाद में आपको जो भी पसंद है आप ले सकते हैं, कोई भी लेमन, कोई भी सॉल्ट मैंने ऐड नहीं किया है। लेमन ऐड इसलिए नहीं किया क्योंकि जब भी मैं किसी भी चीज़ में लेमन ऐड करती हूँ, किसी भी सलाद में या फिर कुछ भी खाते, तो मुझे लेमन के साथ में एक्चुअली सॉल्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है,
इसकी कि मुझे टेस्ट नहीं आता है, तो इसलिए मैं इसमें लेमन ऐड नहीं किया है, क्योंकि अगर लेमन ऐड करती तो मुझे सॉल्ट ऐड करना पड़ता। और मुझे, मैंने जैसा कि मैंने आपको बोला कि आज मुझे सॉल्ट नहीं लेना है, ये मैंने सोचा है, तो ठीक है फिलहाल मैं ये इंजॉय करती हूँ। बट हाँ, अगर आपको ये नहीं खाना है, अगर आपको भूख लगी, अगर आपको सॉल्ट लेना है, तो जैसा कि आप ओट्स का उपमा ले सकते हैं, आप ओट्स का डोसा ले सकते हैं, ओट्स की जो खिचड़ी में बनाती है वो आप ले सकते हैं, आप चना चाट ले सकते हैं, मतलब बहुत सारे ऑप्शन जो जिसमें आप, अगर आपको सॉल्ट लेना है तो आप वो सब ले सकते हैं, ठीक है। और अगर कल जैसे डाइट करना है आपको, तो फिर आप वाइट पम्पकिन का जूस भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल मैं ये अपना इंजॉय करती हूँ, अपना लंच जो एक्चुअली, और हाँ ऐसी कोई क्वान्टिटी नहीं है, आपको जितना मन करे आप और भी अगर भर के खाना चाहें तो खा सकते हैं। और हाँ, इसके बाद 1 घंटे बाद हो सकेगा तो मैं ग्रीन टी लूँगी, और जो एक्चुअली मैंने अभी ऐड नहीं किया है, और हो सकता है कि उसके साथ वीडियो मैं ना बनाऊँ, तो इसके बाद आपको 1 घंटे बाद ग्रीन टी, फिर आधे घंटे बाद भी अगर आप लेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो फिलहाल मैं अपना कंप्लीट करती हूँ लंच, मिलती हूँ डायरेक्टली इवनिंग टाइम पे, टी टाइम पे, जिसे हम टी टाइम बोलते हैं, तब तक ले। तो गाइस, अभी कुछ शाम के 4:30 का टाइम चल रहा है, और मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने क्या लिया है आज टी टाइम पे, जो टी टाइम नहीं बल्कि कॉफ़ी टाइम है। और मैंने लिया है एक ब्लैक कॉफ़ी विदाउट कोई भी शुगर, कोई भी लेमन, कुछ भी ऐड नहीं किया। अगर आपको मन है तो आप इसमें लेमन ऐड कर सकते हैं, बट शुगर ऐड नहीं करना है आपको, ठीक है। और साथ में मैं थोड़े से पीनट लिए हुए हैं, मुट्ठी भर से भी कम है। इसमें किसी भी तरीके कोई भी सॉल्ट मैंने ऐड नहीं किया है, और ये रोस्टेड है, तो आप रोस्टेड या फिर पीनट ले सकते हैं, या फिर आप इसकी जगह पे जो मखाने आते हैं वो भी आप थोड़ा सा रोस्ट करके ले सकते हैं, या फिर आपको अगर जो भुने हुए चने आते हैं वो भी एक मुट्ठी तक आप ले सकते हैं, जो मैंने टी टाइम पे बता दिया, जो इस टाइम पे आप ले सकते हैं। अगर आपको नहीं मन है कॉफ़ी पीने का, या फिर आप कॉफ़ी लवर नहीं है, तो इस टाइम पे आप ग्रीन टी पी सकते हैं, कोकोनट वाटर पी सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास में, ठीक है। तो फिलहाल मैं एंजॉय करती हूं ड्रिंक, मिलती हूं नेक्स्ट मीट पे, जो है दिनेश, तब तक के लिए। तो गाइस, अभी कुछ 7 बजे का टाइम है, ठीक है, 7 बजे, इसलिए 7 बजने वाले हैं, कुछ 10 से 15 मिनट बाकी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको अपना डिनर दिखा देती हूँ। डिनर में कुछ भी नहीं है, नॉर्मल मैंने 2 छोटे साइज का कुकुम्बर कट किया हुआ है, तो आपको इतना ही नहीं लेना है। अगर आपको भूख ज़्यादा है तो आप कुकुम्बर या फिर ब्रोकली, गाजर, ये सब चीज़ें जो भी सलाद के आइटम होते हैं, तो वो आप अच्छी प्लेट भर के ले सकते हैं। एक्चुअली क्या है, ये डाइट ऐसा है कि आपको जितनी भूख है एक्चुअली आप उतना ही खाइए, ओवर ईटिंग मत करिए। और जैसा कि मैं डाइट स्टार्ट की हूँ, आई थिंक आज मुझे डाइट करने का 7वां दिन हो चुका है, क्योंकि 2 दिन मैंने पहले भी डाइट किया था, जो मैं फ्रूट डाइट है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो जो लिंक होगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, उसका भी जो रिजल्ट था अमेजिंग आया है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मुझे मिला है उस डाइट से। और ये जो डाइट है इसका भी रिजल्ट मुझे अभी तक तो काफ़ी ही अच्छा मिला है, कोई भी प्रॉब्लम मुझे नहीं हुई है इस डाइट में, ना ही मुझे इसमें कोई वीकनेस लग रही है। हाँ, थोड़ा सा कभी कभी थोड़ा वीकनेस, थोड़ी भूख लग रही थी मुझे, बट जैसे जैसे टाइम जा रहा है ना, तो अभी मेरी भूख ख़त्म होती जा रही है, क्योंकि जो काप्स है वो मैंने बहुत कम या फिर ना के बराबर मैं ले रही हूँ। ना के बराबर तो नहीं बोलते, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी जिसमें आपको कहीं ना कहीं थोड़ी मात्रा में काप्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि फिलहाल अभी जो आज मेरा 5वां दिन था, 5वें दिन के हिसाब से अगर मेरी आप रेगुलर वीडियो देख रहे होंगे तो आप नोटिस करें कि मेरा जो डाइट है वो दिन पर दिन जो मैं खा रही हूँ, मेरे जो मील्स है वो कम होते जा रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी मुझे भूख नहीं लग रही। हाँ, ये है कि जब भी मुझे भूख लगती है तो मैं ज़रूर खाती, अगर मुझे भूख होती ऑब्वियसली मैं डिनर ज़रूर करती, बट मुझे इतनी भूख नहीं है, तो जब भूख नहीं है तो ज़बरदस्ती खा के भी कोई मतलब नहीं है। आप जो भी शेप ब्रोकली या फिर आप कैरेट जो भी आप ले रहे हैं, हल्का सा बॉईल करके आप उसको ले सकते हैं, अगर आप कच्चा खा सकते हैं तो भी बहुत अच्छा है, बट क्या है थोड़ा सा बॉईल करने पे थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, इसलिए मैं हल्का सा बॉईल कर लेती हूँ, ठीक है। 5 दिन का एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था, बहुत ही अच्छा था मेरा तो, जो 5 दिन था काफ़ी अच्छा गया है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो डाइट है ना, बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट आने वाला है आपको,
प्लीज करके जरूर देखिएगा, और अगर वेट नहीं कम हुआ ना तो मैं बिलीव ही नहीं कर सकती, मेरे चैनल को आप अनसब्सक्राइब करके चले जाइएगा, बट रिजल्ट आपको मिलना ही मिलना है। बट हाँ, एक चीज जरूर मैं बोलूंगी कि जैसे मेरी बॉडी में इफेक्ट आया है, जरूरी नहीं है कि आपकी बॉडी में भी वैसा ही आपकी बॉडी रिएक्ट करे, तो सबकी बॉडी अलग अलग होती है। बट हाँ, ये कन्फर्म है कि वेट जरूर से जरूर कम होने वाला है आपका, और अगर आप लोग ये डाइट मेरी फॉलो करते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है। तो फिलहाल मैं अपना कुकुम्बर मैं अपना लेती हूँ जो मेरा डिनर है, और मैंने कोई भी ग्रीन टी नहीं ली है, एक्चुअली मुझे मन नहीं था ग्रीन टी भी लेने का, और आज मुझे थोड़ा सा जल्दी सोना है इस वजह से भी मैंने ग्रीन टी नहीं लिया है, क्योंकि ग्रीन टी पीने के बाद थोड़ा टाइम तक आपको नींद नहीं आती है, ठीक है। तो मिलते हैं डायरेक्टली हम लोग अपने नेक्स्ट मील पे, जिसको नेक्स्ट मील नहीं कह सकते, फैट कटर ड्रिंक। और हाँ, आप लोगों ने पानी पिया है ना पूरे दिन, तो प्लीज़ पानी को स्किप मत करिएगा, बिल्कुल भी मत भूलिएगा, पानी आपको पीना ही पीना है। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट मील पे, अभी के लिए बाय। तो गाइस, अभी कुछ 9:30 का टाइमिंग है, एक्चुअली थोड़ा सा आज मैं टायर्ड हूँ, इसके लिए मैंने बोला कि मैं अपना जो वेट लॉस ड्रिंक है वो जल्दी से फिनिश कर लेती हूँ। मैं आपको दिखा देती हूँ अपना वेट लॉस ड्रिंक, ठीक है। ये इसमें मैंने अजवाइन और अजवाइन मे सॉरी अजवाइन जीरा और सौंफ, इसके साथ में काली मिरी, साथ में मैंने इसमें अदरक का काढ़ा जैसे बनाया है, ये जो ग्लास है ऐसे ही 2 ग्लास पानी मैंने डाला था, और जितना हो सके मैंने इसको पकाया था, ठीक है। तो 2 ग्लास से ये इतना ग्लास बचा हुआ है जो आप देख सकते हैं, और हाँ, अगर तुलसी का पत्ता भी हो तो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ये ड्रिंक बहुत बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, ठीक है। और अगर आप नहीं, इसमें से कोई भी एक चीज़ अगर आप स्किप करना चाहें तो स्किप कर सकते हैं, बट अगर नहीं करेंगे तो वेल एंड गुड है। तो गाइज, ये थी मेरी 5 दिन की जर्नी जो काफ़ी अच्छी थी और मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला है, और फिलहाल तो भी मैं ये फिनिश करती हूँ, और तो मेरा कितना वेट लॉस हो गया है इन 5 दिनों में, और अगर आप मेरी वीडियो पूरी 5 दिन तक देख रहे हैं तो उसके लिए थैंक यू सो मच। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जो भी सजेशन होगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और हाँ, अभी आप आगे जाके देख लीजिए कि मेरा जो वीडियो है, मेरा टोटल वेट कितना कम हुआ है वो आपको पता चलेगा मॉर्निंग पे, जब क्योंकि आज में 5वां दिन है, और जो मेरा आज वेट कम होगा वो मैं आपको मॉर्निंग पे बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ आप मॉर्निंग पे जाकर जरूर देखिएगा, मतलब इस वीडियो के एंड पे ही है कि मेरा कितना वेट लॉस हुआ है। और अभी तक के लिए साथ देने के लिए और अपना इतना इम्पोर्टेंट टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच, मेरी वीडियो देखने के लिए, लव यू ऑल, बाय।